स्टार्ट द गुड इवनिंग टुडेस सर। थिंग। या गुड इवनिंग। द टॉक लेक्चर नंबर कितना बताया हूँ? 15th। 15 15 सर। ठीक है। चलो 15th लेक्चर। तो वी वेर व्हाट वी वेर डिस्कसिंग अबाउट सर साइंस सिंथेटिक चैप्टर फाइबर, थ्री साइंस चैप्टर थ्री सिंथेटिक सिंथेटिक पावर्टी प्लास्टिक। फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ओके इट मींस वी हैव जस्ट स्टार्टेड दैट। यस सर। ओके यस सर। राइट। तो चैप्टर नंबर थ्री सिंथेटिक एंड फाइबर्स है ना। एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक्स आइए समझते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फाइबर। तो हम जैसे डिस्कस किए थे फाइबर्स के बाद क्या आता है सर? यार्न या फिर थ्रेड है ना। इसके बाद क्या आता है सर? सर फैब्रिक। फैब्रिक मीन सर क्लोथ। क्लोथ, जो अभी हम लोग पहन रहे हैं ना। तो सर जो हम लोग पहन रहे हैं, आप लोग देखे होंगे कि जैसे मैं अभी जो गंजी पहना हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा फट गया है। तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि उससे कुछ धागा निकला हुआ है, मतलब थ्रेड निकला हुआ है। हैव यू ऑब्जर्व जब आपके कपड़े ऐसे फट जाते हैं तो उससे कुछ धागा निकल जाता अरे है, थ्रेड निकलता है। एम आई राइट? यस सर। या यानी ये जो है फैब्रिक क्लोथ से पहले क्या था? कुछ तो धागा था। या फिर जैसे आप स्वेटर पहनते हैं जो मम्मी ऐसे बुनती है ना, जैसे लाती है ऊन खरीद कर और बुनती है ना। यस सर। राइट। यस सर। तो यानी वो स्वेटर फट गया तो वे स्वेटर किससे मिला? यार्न से, ऊन से है ना। तो यानी फैब्रिक के पहले थ्रेड था या फिर ऊन था। और ये सर कहाँ से आता है? तो ये सर फाइबर से आता है। सर ये फाइबर क्या होता है? वी विल गेट टू नो अबाउट फाइबर आफ्टर सम टाइम। ओके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। ओके सर। तो सर फाइबर के टेस्ट का टाइमिंग दो वही रहेगा, क्या, सॉरी कल का टेस्ट का टाइमिंग सर। कल सैटरडे है क्या? कल संडे है। संडे। ओके तो आई वॉज थिंकिंग कि इस बार आप लोग का वर्ड प्रॉब्लम मैं छोड़ देते करवाऊं हैं। है ना, यस सर। यस वर्ड सर। प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा करवा दूं 1 आवर सर का प्रैक्टिस इज है ना, यस इररिस्पेक्टिव ऑफ सर। टेकिंग टेस्ट। यस सर। आई सो यस सर। वेरी गुड। सॉल्व विथ यू ऑल सम यस वर्ड प्रॉब्लम सो दैट यू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। एम आई राइट? तो यस आप लोग ग्रुप सर। में बता देना ठीक है। वी विल नॉट डिस्कस हियर। ओके तो ओके सर। फाइबर सर दो टाइप के सर, एक नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक दूसरा सिंथेटिक फाइबर। सर नेचुरल तो समझ में आ रहा है जो कि या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल। एनिमल। एनिमल से मिलेगा। और यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं रहेगा है ना, यहाँ डायरेक्ट। इफ वी आर ऑब्टेनिंग फाइबर डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल, एनिमल्स देन दैट फाइबर इज नोन एज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा जूट, होगा कॉटन। है ना सर, आपने देखा होगा कॉटन। सर कॉटन का मतलब मैं, जानते हैं पढ़ तो लिया था, ग्रेजुएशन तक मेरे को समझ में नहीं आ गया कॉटन का मतलब सूती कपड़ा होता है, कॉटन क्लॉथ। जब मैं मास्टर डिग्री में पहुंचा तब मेरे को पता चला अच्छा यार ये जो कॉटन क्लॉथ होता है ना, इसी को हिंदी में सूती कपड़ा कहते हैं।
तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, ये सूती कपड़ा समझ नहीं आता था मेरे को, तो ये नथिंग बट कॉटन क्लॉथ, ओके? यस सर। या तो जो मम्मी सब बोलते हैं, पापा सब बोलते हैं कि ये सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा खरीद के लाए, तो दैट इज कॉटन क्लॉथ ओनली, ओके? आप लोग बोरा देखे होंगे, है ना? यस सर। तो दैट इज जूट, है ना? उसको वो भी प्लांट से ऑब्टेंड होते हैं। जैसे आप लोगों ने सिल्क देखा है, Yes, sir. तो that we got from animal, है ना? Yes, sir. और जैसे आप लोगों ने जींस पहना है, Yes, sir. तो सिंथेटिक मीन्स सर, सिंथेटिक का मतलब मैन मेड सर, मतलब केमिकल के हेल्प से हम लोग केमिकल का हेल्प ले रहे हैं, कुछ नेचुरल थिंग का हेल्प ले रहे हैं, और दोनों को मिक्स करके हम लोग कुछ बना दे रहे हैं, तो दैट इज सिंथेटिक फाइबर। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? दैट इज मेन मेड। देखिए थोड़ा सा नेचुरल थिंग भी यूज हुआ, लेकिन पूरा पूरी तरह से यूज नहीं हुआ, इसलिए वी आर नॉट कीपिंग दैट थिंग इन द नेचुरल फाइबर, ओके? मैं क्या बोला, नेचुरल फाइबर वो फाइबर जो डायरेक्टली ऑब्टेन हो किससे सर, प्लांट से नहीं तो एनिमल से। तो सर हम लोग ग्रेड 7 तक ये सब चीजें पढ़ चुके हैं नेचुरल फाइबर के बारे में, तो वी विल डिस्कस इन दिस मेनली द सिंथेटिक फाइबर, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है आपके हेडिंग भी यही है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ओके? तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन। अच्छा सर, ठीक है, मान लेते हैं बात। तो आपने सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या पढ़ेंगे सर? रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे सर, नायलोन के बारे में पढ़ेंगे सर, एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे सर, पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। यस आप लोग सुना होगा पॉलिस्टर का कपड़ा, नायलोन की रस्सी, सुने है ना? भैया सिंथेटिक फाइबर जो होता है, प्लीज म्यूट, सिंथेटिक फाइबर जो होता है, जैसे मैं बोलूं कि बेटा ये धागा लो, जो जिस धागे से मशीन में सिलाई करते हैं, वो धागा यदि आपको दे और बोले बेटा हाथ से तोड़ दो, तो आप हाथ मिलेंगे ऐसे उंगली में लपटेंगे और बोलेंगे ला टूट गई मम्मी लीजिए, है ना? लेकिन यदि मैं आपको एकदम पतला सा धागा दे दूं नायलॉन का, अब बोलो कि बेटा तोड़ के दिखाओ, अब आप पूरा दम लगा देंगे, देख रहे हैं कि अरे यार ये तो स्ट्रेच हो जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है। सोचिए साइंस कितना डेवलप कर गया कि अपने केमिकल का यूज करके कुछ ऐसा फाइबर बना दे रहा है जिसका नाम दे रहा है सिंथेटिक फाइबर, जो जल्दी टूट नहीं रहा है ना, स्ट्रेच हो जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रेकडाउन। कितना अच्छा चीज आ गया। और ये साफ भी करना है, जैसे हम लोग टेबल का जो ढकते हैं ना टेबल क्लॉथ, तो मैक्सिमम जैसे लोग रखते हैं नायलॉन का रख लिए, है ना, क्या करते हैं तुरंत साफ कर देते हैं, कुछ भी डिटर्जेंट डाले एक बार ऐसे किए तुरंत साफ हो गया, एकदम फिर से एकदम न्यू जैसा हो जाता है। लेकिन नेचुरल फाइबर के बारे में सोचिए कितना टफ होता है, गंदगी हो गया, डर्ट जमा हो गया, तब छुटा रहे हैं, अरे यार हाथ दर्द कर गया, छूट ही नहीं रहा है। तो दीज आर द बेनिफिट दैट वी आर गेटिंग इन सिंथेटिक फाइबर, ओके सर? नाउ आइए सिंथेटिक फाइबर के बारे में कुछ सिंथेटिक, सर सिंथेटिक फाइबर का मतलब हुआ सर मैनमेड फाइबर। क्या हुआ सर? मैनमेड फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स मतलब मैनमेड फाइबर का सर मतलब हुआ जो सर लेबोरेटरी में बनाया गया हो, जो सर फैक्ट्री में बनाया गया हो, है ना? ऐसे फाइबर को कौन सा फाइबर बोलेंगे सर?
मैनमेड फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स या फिर सिंथेटिक फाइबर है ना, और इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आर्टिफिशियल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स। मेरे को बस कुछ सब्जेक्ट अच्छे इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि उसमें टर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। लेकिन भाई पढ़ने के बाद तो नॉलेज तो होता है, तो बस इसलिए अच्छा लगता है कि नॉलेज होता है, लेकिन टर्म्स इतना ज्यादा होता है कि मत पूछिए। अब मान लीजिए मेरे को सिंथेटिक फाइबर्स बहुत अच्छे से आता है, एग्जाम में आ गया आर्टिफिशियल फाइबर। अब मैं सोच रहा हूँ कि अरे यार ये आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है, मतलब आंसर आ रहा है सिंथेटिक फाइबर का, मैं जानता हूँ, है ना। तो इफ आई एम नोइंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर, इट मीन्स आई एम नोइंग ऑल्सो अबाउट आर्टिफिशियल फाइबर। बट यदि गलती से मैं भूल गया कि आर्टिफिशियल फाइबर ही इज नथिंग बट सिंथेटिक फाइबर, तो मैं तो आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में कुछ नहीं लिख पाऊंगा। यस सर। तो इसलिए इतना टर्म यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब पढ़ना है भाई तो पढ़ना है, है ना। तो कभी भी ये सब चीजें इस टाइप से मत पढ़िएगा कि अच्छा यार पढ़ लेंगे तो एकदम कुछ, मतलब लाइफ में हम कुछ ऐसा कर लेंगे जो दूसरे लोग नहीं किए। नहीं, ये सब चीज इसलिए पढ़ी जाती है कि हम लोग की नॉलेज, जितना ज्यादा आप नॉलेज अपने इनसाइड लेंगे उतना ज्यादा माइंड क्या होगा आपका, ब्रॉड होता चला जाएगा, है ना, बढ़ता चला जाएगा। और जितना कम नॉलेज लेंगे उतना कम इस सिकुड़ता चला जाएगा माइंड। इसलिए हम लोग बस इस वे में पढ़िए कि हाँ, टू ब्रॉड योरसेल्फ। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर मींस इट इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फाइबर, है ना, आर्टिफिशियल फाइबर। तो कैन यू डिफाइन सिंथेटिक फाइबर? यस, आइए ट्राई करते हैं। तो फाइबर्स व्हिच आर मेड Yes, made by humans. By using chemicals. Yes, through chemicals. Synthesis means sir, banana, है ना? Chemical synthesis. As opposed to natural fiber. किसके अपोज में बनाया गया? Natural fiber. Natural fiber that are directly derived from living organism, है ना। natural fiber कहाँ से derive होते हैं भाई? living organism। तो इसमें सर नेचुरल फाइबर का भी डेफिनेशन इन्वॉल्व है, यदि आप समझ रहे होंगे तो, am I right? Yes, sir. Yes, sir. Right. अब सर टर्म आता है पॉलीमर, एक टर्म आता है, क्या आता है सर? सर पॉलीमर, आइए समझते हैं। बट द फर्स्ट इज मोनोमर। रुके रुके ना, रुके, सब आ जाएगा। मोनोमर सब आ जाएगा। तो एक टर्म आता है सर पॉलीमर। आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव वियर एटलीस्ट नेकलेस, एम आई राइट? यस सर। चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, नेकलेस तो जरूर एक बार पहनते हैं। चाहे वो हैंड का रिंग पहन ले, हैंड में पहन ले, या क्या उसको बोलते हैं, फ्रेंडशिप बैंड चलता है ना, हाँ ब्रेसलेट बोलते हैं, सही एम आई, हाँ ब्रेसलेट बोलते हैं, फ्रेंडशिप बैंड तो अलग होगा, ब्रेसलेट पहनते ही है। तो सर वही, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आई कैन थिंक ऑफ नेकलेस, जिसमें मान लीजिए कि बहुत सारे मोती लगी हुई है, मान लीजिए कि
कि मम्मी पहनी हुई है एक गले का हार जिसमें बहुत सारा ऐसा मोती लगा हुआ है, और इसमें रस्सी भी होता है। यस तो बस ये जो पूरा है ना, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहां से यहां तक, इसी को बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। क्या बोलते हैं सर? सिंथेटिक फाइबर। और इसका जो एक मोती है, इसका जो एक मोती है ना, इसी को सर बोलते हैं, जानते हैं क्या? मोनोमर। ठीक है सर दी मोनोमर। सिद्धि, am I right? यस Right. क्योंकि सर मोनोमर का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, यूनिट। और मर का मतलब क्या होता है सर? यूनिट। तो मोनोमर का मतलब यह वन यूनिट। तो सर वन यूनिट ही तो है सर, ये देखिए ना, वन यूनिट है सर ये वाला, है ना? इतने सारे यूनिट में बस ये वाला एक मोती, एक बीड, है ना? एक बीड क्या है? वन यूनिट हुआ इस पूरे नेकलेस का। तो दैट इज नोन एज मोनोमर। कंपाइल्ड देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीमर। अब इसके बाद एक टर्म होता है डाइमर। आई होप कि ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। डाइमर का मतलब हुआ, डाई का मतलब सर टू, अमर का मतलब यूनिट। यूनिट। मतलब सर जानते हैं क्या? जानते हैं, एक सेकेंड देखिए जानेंगे क्या। सर जब टू यूनिट को कंसीडर करें, ये फर्स्ट यूनिट एंड ये सेकेंड यूनिट, तो ये दोनों यूनिट को क्या बोलेंगे सर? डायमर। वेरी गुड, डायमर। ये वेरी गुड, दो यूनिट हो गया सर। और सर पॉलीमर, सर पॉलीमर, सर पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी। और मर का मतलब यहां भी क्या सर? यूनिट। यूनिट। यानी मेनी यूनिट। मेनी यूनिट का मतलब मोर देन टू यूनिट, है ना? तो यस। देखिए ना सर कितना सारा बीड है इसमें, 1 2 3 4 5, और सर मोर देन टू हो गया बस। यानी दिस इज नथिंग बट व्हाट? पॉलीमर। एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया सर? यस सर। नेकलेस का एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, है ना? बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमर। ओके सर। और यही पॉलीमर चेन क्या कहलाता है सर? अभी बताए हैं, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर। सर पॉलीमर इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक फाइबर। यस यही पॉलीमर, यस चेन ऑफ पॉलीमर। चेन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर। सर अब हम लोग, अब देखिए समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या सर? समझाइए जरा। देखिए ये मान लेते हैं, ये हो गया वन यूनिट, फिर वन यूनिट ऐसा ही, फिर वन यूनिट ऐसा ही है ना, और फिर यहाँ पे है ऐसे। अब आप सेट करोगे इसको तो ये कैसा बन जाएगा सर? ऐसा बनेगा, देखिए ये रहा ऐसे ऐसे, तो ये रहा ऐसे, तो फिर ये रहा ऐसे ऐसे, और बीच में इसकी ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए सब आपस में कनेक्टेड हो गया ना? मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है यार, इसलिए अच्छा नहीं बन पाया। ड्राइंग इज वेरी नाइस। जैसे ये, हाँ ये वाला सही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ।
अब इन दोनों को जोड़ना है ना, तो मैंने यूज कर लिया ये पक्का एकदम सही यूज कर रहा हूँ। हाँ अब इसको ऐड करिए देखिए, है ना, अब ये वाला क्या होगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, yes, ऐसे yes. आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे, और फिर इसको ऐड करेंगे तो ये यहीं पे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आएगा। yes, sir. देखिए ऐड हो गया ना, yes. तो यही ऐसे चैन बनते जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं सर, पॉलीमर, और इसी को बहुत बड़ा चैन हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं सर, सिंथेटिक फाइबर। सबको समझ में आ गया, सिंथेटिक अगेन, यस सर, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर मींस सो व्हिच यू हैव ड्रॉन, ये ओके। देखिए जैसे जोड़ना है किसी चीज को, है ना, तो ये वन यूनिट इज मोनोमर। हाँ बोलिए, यू हैव हर्ड द न्यूज़ दैट इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो। नो नो, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल आ गया, यस सर, वाओ यार, सो प्राउड, इस बार बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ओलंपिक में, है ना, यस सर। फिर अभी हॉकी में 41 इयर्स के बाद ओलंपिक मेडल आया, तो दैट इज मोर देन एनीथिंग एल्स, गोल्ड मेडल से भी बहुत ऊपर की बात होने लगी, यस सर, कि हॉकी में फिर से रिटर्न बैक करा है इंडिया, है ना, तो उसके खुशी में पीएम ने खेल रत्न अवार्ड का रीनेम कर दिया, है ना, हैव यू लिसन दैट, दैट इज नोन एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यस सर, है ना, खेल रत्न अवार्ड का रीनेम हो गया और उनको कर दिया गया द मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद कौन थे, वही थे जो जब तक थे तब तक हर जब भी ओलंपिक हुआ तब तक इंडिया गोल्ड मेडल लाया। सर आई सॉ इन मॉर्निंग न्यूज़, ओके सर, यस सर, एक पॉइंट रह गया था चैप्टर टू में, कौन सा सर, लाइटिंग, ओके ओके ओके, वी विल आई विल एक्सप्लेन, ओके, जस्ट यू शुड दैट ड्रॉप दैट थिंग ऑन द ग्रुप, ओके ओके सर, लाइटिंग, तो ईच यूनिट इज नोन एज मोनोमर, ईच यूनिट इज नोन एज मोनोमर, सारा सिंगल यूनिट क्या होता है सिद्धि, मोनोमर, और जब भी सारे यूनिट ऐसे जुड़ गए आपस में तो उसी को क्या कहते हैं, पॉलीमर, और चेन ऑफ पॉलीमर को कहते हैं क्या, सिंथेटिक पॉलीमर चेन इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर। सर सिंथेटिक फाइबर क्यों बोला जाता है सर, कौन बताएगा, व्हाई इट इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर, बिकॉज इट इज मैन मेड, वेरी गुड, बिकॉज इट इज मेड इन लैबोरेटरी, मेड बाय ह्यूमन बींग, मैन, ह्यूमन बींग लिखे, है ना, मैन वीमेन कुछ भी हो सकते हैं, यस सर, अच्छा सर, तो एक क्वेश्चन आता है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आप जानते हो कि सर फाइबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर, तो सर नेचुरल पॉलीमर बोलो या फिर फाइबर बोलो, का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज के हेल्प से क्या बनता है सर, नेचुरल फैब्रिक्स, नेचुरल फाइबर बनता है, है ना सर, ये सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, क्या फेकर आता है क्या, नहीं, है ना, प्लांट में पाया जाता है,
और कॉटन इज द बेस्ट एग्जांपल, कॉटन इज मेड बाय सेल्यूलोज। अच्छा सर, तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहां पूछ देता है ओके बताइए सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, है ना? कभी कभी आपसे पूछ देता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज है क्या, पहले तो ये जाने। तो सेल्यूलोज है चेन ऑफ ग्लूकोज। क्या है सर? चेन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज आप लोग सब जानते हैं? यस सर। जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, यानी सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर क्या होगा सर? नो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज एग्जाम में पूछ देते हैं क्या होगा। सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। नेचुरल फाइबर बोलिए, है ना, या नेचुरल पॉलीमर बोलिए, इट इज मेड बाय सेल्यूलोज, है ना। सेल्यूलोज क्या है सर? इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का चेन है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज। प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। वही तो कर रहा हूं, नेचुरल पॉलीमर या फिर बोलिए नेचुरल फाइबर का एग्जांपल मैंने क्या बताया था सर? कॉटन, है ना, कॉटन। तो कॉटन किससे बनता है सर? सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज कहां प्रेजेंट होता है सर? प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज क्या है सर? सेलुलोज इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज। सर सेलुलोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है आइए देखते हैं। सेलुलोज का स्ट्रक्चर होता है, कुर्सी बन गया, हाँ ब्रॉक्स बन गया, वो लिख दिया। सर ऐसा स्ट्रक्चर रियल में होता है? जी ओके सर, रियल में होता है सर। कुर्सी बनाना बताना चाहिए, यानी आप समझ जाएंगे। OH अब लगा दीजिए, आप OH यहाँ लगा दीजिए, OH यहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा दीजिए OH, यहाँ लगा दीजिए OH, ऐसे लगाइए। सर OH means? बताऊंगा। सर ये ड्रॉ करेंगे? हाँ सर, तो हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं सर? आपके ड्रॉ करने के लिए ही कर रहे हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, यही सर, जब हम लोग बहुत सारा ले लेंगे, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर लेंगे। सर व्हाट इज OH? बता रहे, बना लिए? यस सर। नो सर वेट, सर ये जितना भी कोना दिख रहा है ना, कोना जैसा, ये सब क्या है सर? कार्बन है। क्या है सर? कार्बन। कार्बन, इसीलिए कार्बन होता है, सुनने में लग रहा है ब्लैक, इसलिए ब्लैक डॉट यहाँ पे लगा दे रहा है ताकि आपको याद रहे। सर OH होता है अल्कोहल ग्रुप। OH क्या होता है सर? अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप सर, ग्रूम, ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप। ओके सर, ग्रूम मींस तो दूल्हा होता है, yes, है ना? यस सर, राइट। थोड़ा बहुत हमको इंग्लिश आता है।
ओएच मींस अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल जो ड्रिंक करते हैं ना लोग आजकल, तो बिहार में बंद है फिर भी, लेकिन करप्शन के मामले में बहुत चल रहा है एकदम, धुआं उड़ा दिया। तो सर अल्कोहल ग्रुप ओएच को बोलते हैं, और जितना डॉटेड ब्लैक से लगा है सब क्या है सर, कार्बन, सब कार्बन है ना, बनाने में सर गड़बड़ हो जा रहा है। अरे गड़बड़ कैसे हो जा रहा, मैं बोला ना कुर्सी बनाना आता है तो बनाइए कुर्सी। देखिए फिर से इसी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए कुर्सी ऐसे, देखिए ट्री को देखिए, ऐसे किए ऐसे किए ऐसे किए ऊपर में और नीचे में भी सेम ज्वाइन करते हुए ऐसे किए ऐसे किए और ऐसे ज्वाइन कर, देखिए कुर्सी बन गया ना, एक बार ऐसे कुर्सी बना दिए, एक बार नीचे से बना देंगे कुर्सी, देखिए ये रहा, फिर इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर दिया, कहां सर इतना इजी तो बन गया सर, लाइक अ जेड है ना, चेयर बनाना आता है तो हाँ लाइक अ जेड भी बोल सकते सर। डन, सबको समझ में आ गया सर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। अब आपसे कोई पूछ सकता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो, क्या सर व्हाट इज द मोनोमर ऑफ, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं, सेलुलोज, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज, कार्बन डाइऑक्साइड। ओए सर ओएच, ग्लूकोज, वेरी गुड, ग्लूकोज, किसने आंसर दिया, बहुत सही। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, चेन ऑफ ग्लूकोज, यानी बहुत सारे ग्लूकोज को मिला बनता है सेलुलोज, यानी सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, ग्लूकोज ही तो है, उसी को मिला रहे हैं ना सर, हेलो, यस सर, तो यानी सबसे छोटा यूनिट, तो मोनोमर क्या होता है, मतलब सबसे सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट, तो सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ, तो यानी ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ सेलुलोज। सबको समझ में आ गया सर, यस वेरी गुड। सेलुलोज का मतलब क्या है सर, सेलुलोज का मतलब ये एक टाइप है किसका सर, कार्बोहाइड्रेट का, पढ़े थे ना हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, यस आप लोग भी पढ़े थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब में शायद ग्रेड सेवन में पढ़ते हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स मिनरल्स, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज क्या है सर, सर ये टाइप कार्बोहाइड्रेट, सर यानी सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट आप बोल रहे हैं, यानी सेलुलोज कहां प्रेजेंट हो, मिल सकता है मेरे को ग्रीन वेजिटेबल में, एम आई राइट, यस सर, ब्रेड, ग्रीन वेजिटेबल्स में अवेलेबल रहता है सर, है ना, शुगर, जैसे बोलता है ना कि ज्यादा आलू नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी आपके अमाउंट आपके बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, यानी शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गॉट इट, इसलिए बोला जाता है प्लीज ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, ताकि आपको विटामिन्स भी मिले, मिनरल्स भी मिले, है ना, फैट भी मिले, सब चीज मिले। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट, यस यस सर, राइट। सर प्लीज स्क्रॉल इट अप, टाइप्स ऑफ, यस सर, सिंथेटिक फाइबर्स, हो गया भाई, कौन कौन सा बताया सर, सर रेयॉन और क्या बताया सर, रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एल्केलिक, एक्रेलिक, वेरी गुड, पॉलिएस्टर,
और एक्रिलिक। आइए तो पढ़ते हैं रेओन के बारे में। सर, सिल्क जानते हैं आप लोग? यस सर, है ना। तो रेयन इज नथिंग बट जो आप सिल्क जानते हैं, टाइप ऑफ सिल्क फाइबर, है ना। यस, अब आप लोग जानते हैं कि सिल्क कहाँ से डिराइव होता है सर? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म, वेरी गुड। सिल्क फाइबर obtained from silkworm, है ना? Yes sir. अब आएगा मजा, क्योंकि समझ में आएगी। इसके बाद का सर टॉपिक बहुत अच्छा। सर देखिए, सिल्क की जब बात हो रही है तो वो जानते हैं, तो दिस इज आर्टिफिशियल सिल्क, ओके, दिस इज नॉट नेचुरल सिल्क। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेचुरल सिल्क, उसके बाद फिर आर्टिफिशियल की बात तो बात जानेंगे हम लोग। तो नेचुरल सिल्क जो होता है, दैट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम सिल्क वर्म। तो नेचुरल सिल्क की लाइफ हिस्ट्री के बारे में यदि आप जानेंगे तो उसके चार ही स्टेज होती है। एग की स्टेज, फिर होती है लार्वा की स्टेज, फिर होती है पूपा की स्टेज, और फिर होती है एडल्ट स्टेज। और ये लाइफ साइकिल का मतलब ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये एग, ये होता चलता है ना, फिर से एग, फिर से लार्वा, पूपा, फिर एडल्ट, फिर से एग, ये चलता रहता है। साइकिल का मतलब वो कभी एंड नहीं होगा। तो यानी जो भी एडल्ट सिल्कवर्म होते हैं, है ना, जो भी एडल्ट सिल्कवर्म होते हैं, सो वी हैव टू राइट दिस। नो नो, इफ यू वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड। आई वांट, I am giving you just an overview, okay? Okay. तो जैसे मान लेते हैं, ये मान लीजिए एडल्ट मेल, अरे भैया प्लीज म्यूट, व्हेन दे मीट, है ना, दे प्रोड्यूस एग्स। लीफ पे क्या जनरेट करते हैं इन लोग? लीफ है ये, है ना। नो नो, दीज आर एडल्ट सिल्क वर्म, गॉट इट? बताऊंगा अभी, समझ में आ जाएगा। सर एग्स जैसे ही लिप्स पे इन लोग देते तो यही एग, है ना, ये जो एग है ये धीरे 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 क्या होता है सर, बड़ा होता जाता है। मान लीजिए एक है, और फिर ये बनाते हैं सिल्क वॉर्म। सर
सर एग्स बन एग्स बनता है जी। चलो ये हो गया, मान लेते हैं क्या सिल्क वॉर्म सर। सिल्क वॉर्म विच लीव्स ऑन लीफ दैट इट मलबेरी लीव्स। सिल्क वॉर्म फिर ये बनाते हैं कोकून्स, है ना, जैसे इस टाइप का। यस सर ये हो गया आपका कोकून्स, ठीक है। कोकोन्स और ये बहुत सारे ज्यादा अमाउंट में जब कोकून्स हो जाता है तो फिर ये क्या होता है, सिल्क वॉर्म दिखना कवर अप हो जाता है कोकून्स से, है ना। कवर अप हो जाते हैं कोकून से। सर स्पीक लाउडर। तो ये जो है कोकून से क्या हुए, कवर अप हो गए, व्हाट इट। यस सर। फिर सो व्हेन दे आर इन द स्टेज ऑफ लार्वा और यस प्यूपा। प्यूपा, प्यूपा है ना, प्यूपा। लार्वा तो ये है, लार्वा ये दोनों स्टेज चला गया प्यूपा। सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ हाँ कर रहे हैं। और ये फिर ये बनते हैं एडल्ट फॉर्म में, यहाँ आते हैं एडल्ट। यस एडल्ट सर। हुए, फिर यहाँ एग आया, फिर लार्वा हुआ, फिर प्यूपा फॉर्म में, फिर एडल्ट, गॉट इट। यस सर। लीव्स कैसे होते हैं, मलबेरी लीव्स होते हैं, यस जैसा सर कि है मलबेरी। ना। सर दिस प्रोपस कितना दिन चलता है सर? ये तो मेरे को भी नहीं पता, है ना, कि कितने डेज की इसकी सर लाइफ होती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर बस ये मलबेरी लिप्स पे ही फीड करता है सर, यस सर, किसी और लिप्स पे नहीं करेगा। ना एकदम नहीं, है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी दैट दे हैव। व्हाई अब ये तो बेटा मैं भी नहीं जानता हूं कि क्यों उसी लीप पर ही क्यों करता है ना। अच्छा लगता होगा। नहीं, कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे। जस्ट सर्च इट एंड सेंड ऑन द ग्रुप, ओके, ताकि सबको पता चले कि क्यों होता है। और ये ओके जो सर। एडल्ट सिल्क वर्म है ना, इसी को कहते हैं सिल्क मूथ। क्या कहते हैं सर, सिल्क मोथ। सिल्क मोथ। मूथ्स, है ना। सर हमको इसका स्टेप ही नहीं पता चल रहा है। नहीं चल रहा है, देखिए यहाँ स्टेप तो यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए स्टेप तो यहीं, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट फिर एग। मतलब सर एडल्ट है, दे हैव क्रॉस मींस मीट करे, प्रोड्यूस किए एग ऑन मलबेरी लीव्स, एग से बना सिल्क वर्म, है ना, जिसको बोलते हैं कैटरपिलर यस लार्वा, कैटरपिलर लार्वा। यहां पे क्या होता है जानते हैं, ये जो सिल्क वर्म होता है ये अपने हेड को, ये जो हेड है ये अपने हेड को मूव करता है और इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर लाइक एट। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है सर, एट। एट। और यही जब मतलब मूव करता रहता है अपने हेड को एट के फॉर्म में, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है सिल्क वर्म सर, प्रोटीन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है सर, प्रोटीन। प्रोटीन सिक्रीट करता है मतलब रिलीज करना। और जैसे ही ये प्रोटीन कांटेक्ट
किसके साथ करती है? एयर के साथ। एयर के साथ इट फॉर्म का कोन। जैसे ये कांटेक्ट करती है तो बोलते हैं कि सिल्क बन रहा है। क्या बोलते हैं सर? सिल्क। सिल्क। और इसी को बोलते हैं क्या? कोकून। क्या बोलते हैं सर? कोकून। ये जो सिल्क वर्म है इस को इतना अपने बॉडी में लपेटती है, इतना लपेटती रहती है, लपेटते 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 क्या करती है, ये कवर कर लेती है कोकून से अपने बॉडी को। देखिए कवर अप कर लिया ना। यस सर, तो हम लोग यही लेके बनाते हैं साड़ी वगैरह। राइट राइट राइट, है ना। जो भी नेचुरल होता है, नेचुरल सिल्क, सिल्क भी दो टाइप के हो गए ना, एक नेचुरल सिल्क और एक सिंथेटिक सिल्क जो केमिकल का यूज करके बनते हैं। तो यदि आपको समझ जाइए सिल्क की साड़ी बहुत सस्ती दे मिल रही है, यानी समझ जाइए कुछ ना कुछ उसमें मिलावट है, यानी सिंथेटिक सिल्क है। यस। अब सर उसका डिफरेंशिएट तो नहीं कर पाएंगे सर, अब जो बनाता है वही कर सकता है। सर मैम पढ़ा रही थी तो हम सुने थे कि साइंटिस्ट लोग जब इसको बना रहे थे सिल्क, तो वो लोग सोचे थे कि मतलब कि सिल्क जो है बहुत महंगा होगा, तो इसलिए आर्टिफिशियल सिल्क बना। राइट। तो फिर ये जो ये स्टेज को बोलते हैं कोकुंस वाले स्टेज को पूपा ना, प्यूपा। तो ये जब सिल्क वर्म खुद को लपेट लेती है तो फिर धीरे धीरे क्या होती है, ये एडल्ट हो जाती है। तो इसी सिल्क वर्म पे क्या आ जाता है सर? ये आ जाता है क्या? पंख आ जाता है। व्हाट इट? यस। आप पूछेंगे वाह यार ये तो बड़ा, जब मैं पढ़ा था तो मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था अरे सिल्क वर्म में भी पंख आ जा रहा है, लेकिन आ जाता है ना। व्हाट इट? तो पंख आ जाता है और उसके बाद फिर मींस एडल्ट हो गए, नाउ दे मीट, दे विल प्रोड्यूस एग, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल सिल्क। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? यस यस सर। राइट। तो जब सिल्क शुरू में डिस्कवर हुआ था ना नेचुरल सिल्क, तो जानते कहां डिस्कवर हुआ था? जहां से अभी कोरोना वायरस डिस्कवर yes, हुआ है सर, चाइना, है ना। चाइना से। अब चाइना वाले बड़े चालाक थे, बोलते अरे यार सिल्क इतना मस्त है, इतना चमकदार है। अब वो किसी को सप्लाई ही नहीं करता, किसी अदर yes. कंट्री को देना है, जैसे आपने बोला ना सिद्धे कि बहुत महंगा होगा इसलिए, तो अदर साइंटिस्ट दे थॉट कि अरे यार चाइना वाले दे नहीं रहे, चलो हम लोग खुद से डेवलप करते हैं सिल्क ही टाइप का। तो उन लोगों ने डेवलप कर दिया आर्टिफिशियल सिल्क। गॉट इट? यस सर। यस सर। क्योंकि भाई चाइना से सिल्क आ नहीं रहा है। अरे भाई मैं क्या बताया, अब होता है। हाँ yes. तभी जब हुआ था फर्स्ट टाइम तो सिल्क बहुत एक्सपेंसिव था, चाइना दे नहीं रहा था। चाइना तो बस कोरोना फैलाना जानता है, हेल्प करना जानता नहीं, तो दे आर नॉट सपोर्टिंग अदर्स कंट्री। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग कुछ आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं। तो उन्होंने डेवलप किया आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों? क्योंकि देखा यार सिल्क इतना ब्यूटीफुल लगता है, चमकता है, है ना। सब एकदम देखकर खुश हो रहे थे कि यार सिल्क का कपड़ा मैं भी यूज करूं, मैं भी यूज करूं। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने 19th सेंचुरी में आई थिंक नेचुरल सिल्क के तरह ही आर्टिफिशियल सिल्क को डेवलप कर दिया, और उसी का बोले हम लोग रेयॉन। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो क्या लिखेंगे सर रेवन में? लिखना होगा तो लिखेंगे।
इट इज आर्टिफिशियल सेल, रीजेनरेटेड सेलुलोज फाइबर, दोबारा जेनरेट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, दैट इज मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स ऑफ सेलुलोज सच एज, कहां से, वुड, या फिर कोई भी रिलेटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, इट चीपर देन सिल्क, ये ना, ये जो सिल्क जो डेवलप किए थे चाइना वाले, इससे भी चीपर वे में इन लोगों ने निकाल दिया, बट इट हैज द सेम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इट हैज द सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो नेचुरल महंगा क्यों आता है? सर क्या आर्टिफिशियल में हल्का सा भी नेचुरल यूज नहीं होता है? हाँ क्यों नहीं यूज करते आजकल, तो देखिए मैं लिखा हूँ ना सच है, वुड पल्प का यूज करके, देखिए वुड का पल्प यूज करते हैं साइंटिस्ट लोग, है ना, वुड का पल्प का मतलब जैसे आम खाएं आप, आम, यस सर, यस, तो जैसे आप उसके कवर को, आम के जस्ट छिलके को हटाते हैं, तो उसके नीचे वाला जो गुद्दा होता है ना जिसको आप खाते हैं उसी को पल्प कहते हैं, तो वैसे ही वुड के लकड़ी के पल्प होते हैं, गॉट इट, उसके हेल उसमें केमिकल्स का यूज करते हैं, और उन लोगों ने डेवलप किया एक आर्टिफिशियल सेल जिसका स्ट्रक्चर सेम लाइक किसके जैसा, सेलुलोज का जैसा स्ट्रक्चर अभी मैं बताया था, यस सर, एक्सक्यूज मी सर, यस यस सर, तो महंगा क्यों आता है सर अगर सेम होता है तो? सेम का होता है सर, सर आप ही ने बताया सेम मॉलिक्यूल, यस स्ट्रक्चर सेम होता है, अरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम होता है भाई, सर मतलब उसका बनावट, वो ना केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, अब सोचिए ट्री तो ज्यादा अवेलेबल नहीं है लेकिन केमिकल्स अवेलेबल है, तो भाई हम ट्री एक ही मान लीजिए, इंडिया में बस एक पेड़ है और मैं उस एक पेड़ से बहुत सारा बना दिया सर, तो आर्टिफिशियल वाला बनता कैसे? मैंने क्या बताया कि वुड पल्प जो होता है, वुड का जो पल्प होता है उसमें कुछ केमिकल्स यूज करते हैं उसके बाद बनता है, ओके सर, हाँ बोलिए सर, तो आर्टिफिशियल में सिल्क का फिर हल्का सा भी यूज नहीं होता है? आर्टिफिशियल सिल्क में सर आर्टिफिशियल में नेचुरल सिल्क का यूज नहीं होता है हल्का सा भी? सर नेचुरल सिल्क का यूज नहीं होता है, वुड पल्प का यूज होता है, जब नेचुरल सिल्क का यूज करके आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बनाएंगे, जब नेचुरल सिल्क है ये तो नेचुरल सिल्क से कपड़ा बना लेते हैं, उसी का नेचुरल फाइबर बना लेते हैं सिल्क फाइबर, आर्टिफिशियल सिल्क मतलब क्या, व्हाई शुड वी यूज नेचुरल सिल्क, वी शुड यूज समथिंग नेचुरल, किसी चीज नया चीज को बनाने के लिए ओल्ड में से थोड़ा सा तो उसमें लगता है ना, तो सर हमको लगता है कि उसमें लगता हो, तो वुड पल्प का यूज करके उसमें केमिकल का यूज करते हैं और सर कौन सा फिर बनाते हैं आर्टिफिशियल से, ये तो नहीं पता बेटा है ना कि कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ओके आफ्टर दिस वी विल